बिल्कुल। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर है, दो नगर पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, सीटों पर भाजपा पीछे, ये भाजपा के लिए बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। हर्रा नगर पंचायत से निर्दलीय कुंवर मोहम्मद आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। और इसके अलावा दौराड़ा नगर पंचायत से भी खबर ये मिल रही है कि वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और सहारनपुर में भी माहौल लगातार बदल रहा है, मेयर सीट पर बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर में माहौल बदल रहा है मेयर सीट को लेकर, और बड़ा उलटफेर लगातार हो रहा है। बसपा दूसरे राउंड की गिनती में फिर से आगे निकल चुकी है सहारनपुर में। कभी भाजपा आगे निकलती हुई दिखाई देती है तो कभी बसपा, लेकिन बसपा के लिए अच्छी खबर यहां से सामने आ रही है इस वक्त एक बार फिर से सहारनपुर से, जहां पर दूसरे राउंड की गिनती में एक बार फिर से बसपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला हो गया है सहारनपुर में इन सबके बीच। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। और ये देखिए, नगर निगम की बात करें तो 17-17 रुझान आपके सामने, और देखिए तस्वीर आपको दिखाएं, भाजपा 15 पर आगे चल रही है, सपा 0 हो गई है, बसपा 2 पर आगे चल रही है। तो रुझानों के मुताबिक बड़ी सफलता है बसपा के सामने। हालांकि 2017 के निकाय चुनाव में भी 2 सीटें बसपा ने जीती थी, अलीगढ़ और मेरठ। और देखिए सपा के लिए ये बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, ये आगे जरूर चल रही थी मुरादाबाद और मेरठ में, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है कि 17 में 15 पर भाजपा आगे है, 2 पर बसपा आगे चल रही है। बिल्कुल, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं नगर निगम में क्या सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख लीजिए आप, नगर निगम की 17, भाजपा 15, बसपा 2। और देखिए सहारनपुर में बसपा, मुरादाबाद में भाजपा, कानपुर भाजपा, भाजपा लखनऊ में, गाजियाबाद में भाजपा, फिरोजाबाद में भाजपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अयोध्या में भी भाजपा आगे है, इसके अलावा शाहजहांपुर में भाजपा, वाराणसी में भाजपा, और गोरखपुर में भी भाजपा के लिए अच्छी खबर है, अलीगढ़ में भाजपा के लिए अच्छी खबर है, और प्रयागराज से भी भाजपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर हर एक हिस्से की जानकारी, मेरठ में भाजपा आगे है, बरेली में भी भाजपा के लिए अच्छी खबर है, मथुरा से भाजपा आगे, आगरा में बसपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और झांसी में भी भाजपा आगे बढ़ रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 17 मेयर सीटों पर सपा कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। 17 मेयर सीटों से जुड़ी हुई सपा और कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे नहीं है, ये आप जान लीजिए, सपा कांग्रेस के लिए निराश करने वाली खबर। अवधेश, बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक बार सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हुई। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो टिकट बदलने का जो उनका फैसला रहा एकदम सही साबित होता हुआ फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है। अंतिम परिणाम जब आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि रुझान परिणाम में कितने बदलते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है। और गाजियाबाद की मोदीनगर नगर पालिका से बसपा आगे चल रही है, देखिए बसपा ने जबरदस्त वापसी की है। गाजियाबाद की बात करें, 17 मेयर सीटों पर सपा कांग्रेस के लिए, लेकिन बुरी खबर है अब रुझानों में इनका आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है, सपा और कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे नहीं है। आगरा और सहारनपुर में बसपा दांव मार रही है, बरेली में भाजपा के उमेश गौतम की बढ़त बरकरार है, दूसरी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया था, 4,232 वोटों से उमेश गौतम आगे चल रहे हैं, और दूसरी बार क्या ये मेयर बन पाएंगे, फिलहाल रुझान उनके पक्ष में जा रहे हैं। भाजपा के उमेश गौतम की बढ़त बरेली में बरकरार है। बिल्कुल, एक बार फिर से कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं उमेश गौतम। एक बार फिर से यहाँ का जो आंकड़ा है वो आपको बता दें, देखिए उमेश गौतम एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 80 यहाँ पर सीटें हैं नगर निगम वार्ड के, और 5 सीटों को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। भाजपा 4 सीटों पर आगे लगातार निकलती हुई, सपा बसपा कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और अन्य एक सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख लीजिए आप, 80 सीटें 5 पर जो रुझान है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अन्य एक सीट पर बसपा कांग्रेस अभी तक खाता नहीं खोल पाई, सपा भी खाता नहीं खोल पाई, और साथ ही भाजपा 4 सीटों पर आगे है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाजवादी पार्टी ने बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर दिया था, लेकिन वो रणनीति भी काम नहीं आई है, मौके पर कंफ्यूजन की बात सामने आई थी, लेकिन सपा ने इसे अपनी रणनीति बताया था, पर फिलहाल रणनीति सफल होती हुई दिख नहीं रही है। वहीं बरेली के हम 80 वार्ड की बात करें तो 5 के रुझान सामने आ गए हैं, 4 पर भाजपा आगे चल रही है, 1 पर अन्य। और देखिए सपा प्रत्याशी को अब तक 4,847 वोट मिले हैं, ये जो निकाय को लेकर अपडेट आ रहे हैं आपको बता रहे हैं। बरेली में भाजपा के उमेश गौतम को बढ़त लगातार बढ़ती उनकी चली जा रही है। नगर पंचायत की सीटों पर भाजपा सपा में टक्कर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर जो बन रही रुझानों में, नगर पंचायत की सीटों पर भाजपा सपा में कांटे की टक्कर है, लेकिन मेयर पद के जो चुनाव है उसमें बहुत अच्छी स्थिति सपा की नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, नगर पंचायत की सीटों पर भाजपा सपा में जबरदस्त टक्कर की बात सामने आ रही है, लेकिन देखिए निगम में जो है भाजपा के उमेश गौतम एक बार फिर से कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी बार मौका उनको दिया गया और उस मौके पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 46 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है पंचायत की, बड़ी जानकारी। 41 सीटों पर सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबरदस्त मुकाबला है सपा भाजपा में पंचायत की सीटों को लेकर के, जानकारी विस्तार से आपको दें।
बिल्कुल। और ये देखिए नगर पंचायत अध्यक्ष के जो 544 पद है उसमें 144 रुझान सामने आ गए हैं। भाजपा की बात करें तो 46 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 41 सीट पर आगे है, बहुजन समाज पार्टी 11 पर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस के अलावा अन्य की बात करें तो इनका जो प्रदर्शन है ये सपा बसपा कांग्रेस से आगे है, 44 पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो देखिए कुल 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद हैं जिनमें 144 के रुझान आ गए हैं, 46 पे भाजपा, 41 पे सपा, 11 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस। यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका जो परफॉर्मेंस है फिलहाल रुझानों में सपा बसपा और कांग्रेस से कहीं बेहतर है, नंबर 1 पर फिलहाल भाजपा चल रही है। बिल्कुल, लगातार जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पालिका के नतीजे क्या है वो भी आपको बताएं, नतीजे आएंगे उससे पहले रुझान बता दिया, आगरा में भाजपा की पहली जीत, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको डेटा देखिए 199 सीटें हैं नगर पालिका की, 92 पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। देख लीजिए आप, भाजपा 35 पर रुझान में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर आगे बढ़ रही है, बसपा 9 सीटों पर आगे बढ़ रही है, ये आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है और अन्य 17 सीटों पर यहाँ पर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। 199 सीटें, 92 पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और पूरा आंकड़ा आपके सामने, 35 पर भारतीय जनता पार्टी, सपा 29 पर, बसपा 9, कांग्रेस 2 और अन्य 17 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।